सदर तहसील क्षेत्र के थाना गोरखनाथ में हॉटस्पॉट एरिया जटेपुर उत्तरी मनसा बाग का मंगलवार को एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने निरीक्षण किया। एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने उस एरिया को 250 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा 500 की परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए सील कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। वो मेन रोड होता है, जब सड़क हमारी पूरी हड़ावा जाम होता है इधर से पब्लिक आती जाती है, तो हम ये कहेंगे सर दोनों से मतलब वो करवा दिया जाए। ऐसे साहब को तो बता दिए हैं। हाँ, ये सब अभी बात हुई है, नगर निगम को उनको बता दिया, नगर निगम को पुलिस को बताया गया, ये सुपरवाइजर है। और यहाँ के ना राजस्व के लोगों को पहले सर आज आपके द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्र में निरीक्षण किया गया, आज थाना गोरखनाथ में उत्तरी जटेपुर में मनशाबाग कॉलोनी, वहाँ पे दो व्यक्ति पॉजिटिव मिले हैं। एक जो रेलवे में कार्यरत है उसकी वाइफ भी पॉजिटिव मिली है। जानकारी होते ही हमारे लेखपाल रजत ने हमें जानकारी दी, इसके साथ साथ हमने ऐसे गोरखनाथ से बात की और हमने वहाँ पहुँच कर उस एरिया को हमने कंटेनमेंट बना दिया। 250 मीटर 500 मीटर पर बफर जोन स्थापित कर दिया, आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंध कर दी, सैनिटाइजेशन का कार्य करवा दिया गया और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति के लिए डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से घर घर आपूर्ति पहुँचाई जाएगी। जो भी कॉन्टैक्ट हुए हैं उन व्यक्तियों के साथ उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को निकलवाया जा रहा है ताकि उन लोगों के सैंपल टेस्ट करवाए जा सकें। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डोर टू डोर सर्वे भी किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ब्यौरा इकट्ठा करवाकर उनके भी सैंपल टेस्ट करवाए जा सकें।